आ रही है तिब्बती समुदाय ने चीनी मीडिया के खिलाफ हिमाचल के शिमला में विरोध रैली निकाली है और चीन पर दलाई लामा को बदनाम करने का आरोप लगाया है। ये विरोध प्रदर्शन तिब्बती और हिमालयी बौद्ध संघ के लोगों ने किया है। शिमला समेत हिमाचल के कई इलाकों में इन्होंने विरोध प्रदर्शन किया और भारत सरकार पर चीनी प्रोपेगेंडा पर लगाम लगाने की अपील भी कर रहे हैं। ये जो पीस रैली है ये एक्चुअली आप सभी ने देखा होना कि कुछ दिनों से एक जो मुद्दा सोशल मीडिया में गरमाया हुआ है कि किस तरह से पवन पूज्य दलाई लामा जी जो विश्व को करुणा दया और प्रेम का पाठ पढ़ाते हैं उनके खिलाफ कुछ मीडिया हाउस द्वारा एक दुष्प्रचार किया गया था। उन मीडिया हाउस के खिलाफ यहाँ पे एक पीसफुल ये जो रैली है यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है। आप सभी ने देखा होना कि जब दलाई लामा जी से एक बच्चा निवेदन करता है कि उन्हें हक किया जाए तो महाकरुणा कारुणिक दलाई लामा जी उन बच्चों को अपने पास बुलाते हैं, उन्हें हक करते हैं, थोड़ी देर बाद उन्हें गाल पे तो किस करते हैं, उसके बाद जो दलाई लामा जी उन्हें अपना जीभ बाहर निकालने के लिए कहते हैं। लेकिन उस थोड़े से क्लिप को, जीभ वाली क्लिप को जिस तरह से तोड़ मरोड़ के समाज के सामने प्रस्तुत किया जाता है, जिस तरह से उनके चरित्र को गिराने का प्रयास किया जाता है, हम उसी का विरोध कर रहे हैं। और अब ओवैसी ने योगी सरकार पर बोला है हमला, टेरर मौजूद।